अस्सलामुअलैकुम, शहादत न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर। महमूद अब्बासी, सरदार फिजान, सरदार आसिम, आफ्ताब सत्ती, शकील कुरैती, शहजाद अहमद अब्बासी, ये हमारे मेंबरान एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसमें मजीद अब इजाफा करेंगे पेशावर से, ये जब अपना इजलास बुलाएंगे उस इजलास में उन लोगों के और खासतौर पर ज़िया अब्बासी साहब की कक्षें दो तीन साल से ये मुसलसल प्रेस क्लब के हवाले से हमने इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने आज आप अपने लोगों का उनको होते हुए मतलब किया और उम्मीद करते हैं कि वो गजा प्रेस क्लब से भी बात की। गलियात एबट आबाद गलियात प्रेस क्लब का क्याम अमल में आ गया। पहली काबीना तश्कील दे दी गई। सरदार इफ्तिखार अहमद नुमाइंदा शहादत न्यूज़ गलियात एबट आबाद की रिपोर्ट के मुताबिक गलियात प्रेस क्लब का क्याम अमल में लाया गया और प्रेस क्लब की काबीना की तश्कील दे दी गई। सरदार सईद सदर इफ्तिखार अब्बासी को मुतफ़िका तौर पर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। सीनियर सहाफ़ी सरदार इकबाल और दी खालिद इकबाल रब्बानी की ज़ेर सदारत इजलास की मेज़बानी सीनियर सहाफ़ी ज़िया अब्बासी ने की। इजलास में गलियात के नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत की और मुतफ़िका तौर पर गलियात प्रेस क्लब की पहली काबीना तश्कील दे दी गई। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल वहीद हज़ारवी को सरपरस्त आला, सरदार न्याज को चेयरमैन, सरदार सईद सदर इफ्तिखार अब्बासी जनरल सेक्रेटरी, नसीर अहमद सीनियर नायब सदर, अतीक अब्बासी नायब सदर, सरदार सज्जाद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, खालिद महमूद अब्बासी जॉइंट सेक्रेटरी, आबिद इकबाल को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबरान में खावर तनवीर अब्बासी, सरदार फैजान, शहजाद अहमद अब्बासी, शकील कुरैशी, सरदार आसिम, आफ्ताब सत्ती, महताब गलियाती, मज़र महमूद अब्बासी को मुंतखब किया गया। जबकि सेक्रेटरी इतलात और नशरियात उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के दीगर मेंबरान प्रेस क्लब के अगले इजलास में मशावरत से मुंतखब किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि फौरी तौर पर गलियात प्रेस क्लब की मेंबरशिप शुरू की जाए। सहाफ़ियों के मसाइल की हल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएंगी। गलियात प्रेस क्लब के लिए मुस्तकिल जगह का इंतखाब फौरी किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि जल्द अज जल्द दीगर मेंबरान की शिरकत को यकीनी बनाकर तकरीब हल बर्दारी का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें ज़िले इंतजामिया गलियात की सियासी सामाजिक कारोबारी शख्सियात और तमाम स्टेक होल्डर्स को मदू किया जाएगा। इजलास में इस बात पर भी इतफाक़ किया गया कि गलियात के जुमला मसाइल के हल के लिए तमाम सहाफ़ती मुश्तरका तौर पर कोशिशें तेज़ करेंगे और गलियात प्रेस क्लब गलियात के आवाम की हकीकी आवाज़ बनेंगे और यहाँ के आवाम के मसाइल को ईमान इख्तदार तक पहुँचा कर हल करने में मरकज़ी किरदार अदा करेगा। इजलास में यह भी अज़म किया गया कि गलियात प्रेस क्लब हकीकी मानों में गलियात के आवाम की आवाज़ बनेगा। इजलास में सरदार इकबाल ने मरी प्रेस क्लब की जानिब से, जबकि खालिद इकबाल रब्बानी ने भी गलियात प्रेस क्लब के साथ भरपूर तआवुन का यकीन दिलाया। इजलास में गलियात के सहाफ़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके प्रेस क्लब के क़याम के लिए अमली किरदार अदा करने पर ज़िया अब्बासी को खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि इस मौके पर सरदार इकबाल, खालिद इकबाल रब्बानी और ज़िया अब्बासी को गलियात प्रेस क्लब के क़याम के लिए अमली जद्दोजहद करने पर गलियात प्रेस क्लब के बानी का एजाजी ओहदा भी दिया गया। जबकि जनरल कौंसलर और गलियात की सियासी समाजी शख्सियात सरदार शिराज ने भी खसूसी शिरकत की और गलियात प्रेस क्लब के क़याम पर अहदेदारान और सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की गई।